पुरानी कहानी है, एक ऋषि हुए, उनका नाम है उद्दालक, सेज उद्दालका, और उनके पुत्र हुए श्वेत केतु। उस समय, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, उस समय भारत का कल्चर ऐसा था कि पिता ही पुत्र को ज्ञान देता था, शिक्षा देता था। सेज उद्दालक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे, बट अमूमन पिता और पुत्र में एक ऐसा एक विजन होता है कि बहुत समय तक पुत्र को आप साथ नहीं रख सकते, इफ द सन हैज टू ग्रो बियॉन्ड द फादर। सो सेज उद्दालक ने बेसिक शिक्षा दी श्वेत केतु को, और उसके बाद श्वेत केतु को भेज दिया किसी और गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए। श्वेत केतु वेंट टू दिस मॉनेस्ट्री टू अ न्यू मास्टर टू लर्न फॉर मेनी ईयर्स। 6-7 साल ज्ञान अर्जित करने के बाद श्वेत केतु अपने पिता के पास वापस आते हैं, और बहुत ही एक्साइटेड होकर वापस आते हैं। सो श्वेत केतु बैठे हैं, और वो उद्दालक बैठे हैं, और श्वेत केतु चल के आ रहे हैं पिता के पास। एंड ही रीचेज द फादर एंड सेज, आस्क मी एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग नाउ, बिकॉज ही नोज माई फादर इज अ विद्वान। सो द सन सेज, आस्क मी एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग नाउ। एंड सेज उद्दालका स्टार्ट्स टू क्राई इन पेन। और उनको बड़ा दुख हुआ उस बात से। श्वेत केतु को समझ नहीं आया कि पिता को दुख क्यों हुआ। पिता ने पुत्र से पूछा, क्या सीख के आए हो? तो उसने सभी चीजों के नाम बता दिए, धनुर्विद्या, पाक विद्या, दिश विद्या, दैट विद्या। उद्दालका से श्वेत केतु, हैव यू लर्नड दैट नोइंग विच एवरीथिंग इज नोन? क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेत केतु वाज परप्लेक्स कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके जानने से सब जाना जा सकता है। तो उसने कहा कि ऐसा तो हमारे वहां किसी गुरु ने इसके बारे में बात ही नहीं की, मैंने कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं देखा जिसमें ये पढ़ लिया जाए कुछ ऐसा जिसके जानने से सब जाना जा सकता है। तो बड़ा खूबसूरत उदाहरण है द फादर उद्दालका ने श्वेत केतु को कहा, वो देखो वहां एक बरगद का पेड़ है पास में, हाँ पेड़ है, वहां से एक बीज लेके आओ, नीचे बीज गिरे होते हैं बरगद के पेड़ में, छोटा होता है बरगद का बीज, अगर आपने देखा हो तो प्लांटेशन इफ यू सी द बरगद ट्री इज ह्यूज बट द सीड ऑफ बरगद इज रियली टाइनी। तो वो सीड लेके आते हैं पिता के पास। उद्दालक बोलते हैं सीड को तोड़ो, सीड को तोड़ता है तो उसमें से कर्नल निकलता है, कहते हैं व्हाट डू यू फाइंड देयर, ही सेज कर्नल, सीड के अंदर कर्नल होता है। फादर सेज ब्रेक द कर्नल नाउ, ही ब्रेक्स द कर्नल, ओपन्स इट, ही सेज व्हाट डू यू फाइंड नाउ, ही सेड नथिंग, देयर इज नथिंग इनसाइड। उद्दालका सेज माय सन, फ्रॉम दिस नथिंग दिस ह्यूज बरगद कम्स, फ्रॉम दैट नथिंग द एंटायर यूनिवर्स हैज कम, हैव यू नोन दैट नथिंग? And now, Shwet Ketu starts to weep because he understands कि ये तो मुझे समझ में नहीं आया। I have not understood nothingness. He goes again back to the mountains, to the monasteries, spends 12 more years with different teachers, different masters, and now again comes back. उद्दालक फिर बैठे हैं, श्वेत केतु फिर सेम सीन है, श्वेत केतु फिर चल के आ रहे हैं, बट इस बार श्वेत केतु एकदम चुप है, उसके चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट है, और अब उद्दालक भी चुप है, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। उद्दालक द फादर स्टैंड्स अप, हग्स हिज सन, बिकॉज नाउ ही नोज द सन नोज, एंड व्हेन सन नोज सन डजंट नीड टू से एनीथिंग, व्हेन द फादर नोज फादर डजंट नीड टू से एनीथिंग। दैट्स द रीजन आई मूव टू द हिमालयस, बिकॉज इन द कॉर्पोरेट इन द बोर्डरूम आई न्यू दैट देयर इज समथिंग आई डू नॉट नो, नोइंग विच एवरीथिंग इज नॉन। उस नथिंगनेस को जानने के लिए मुझे 10 साल की तपस्या में हिमालयस में जाना पड़ा, बट दैट इज नॉट एवरीबडीज वे, यू कैन नो दैट नथिंगनेस डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ ऑल्सो। और भारतीयम का मुझे बहुत अद्भुत कहानी इसलिए लगती है पर्सनली, अब जिस स्थिति में मैं हूं तो मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, लॉट ऑफ पीपल कम टू मी टू सीक एडवाइस एटसेट्रा एटसेट्रा,
मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड दे से कि बस रिटायर होने के बाद ये करेंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो वो कुछ और करना चाहते हैं बट उनको लगता है ये तो हम रिटायरमेंट के बाद कर पाएंगे. और यहां भारतीय में एक अद्भुत सी चीज घट रही है. यहां श्रीनी और अनिल और मित्रों जैसे लोग हैं जो सब अपने अपने परिवारों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं उसके बावजूद भी अ स्ट्रांग मूवमेंट इज हैपनिंग विच टेल्स यू विच टेल्स मी अगर आप थोड़ा सा फोकस बना लो और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जगा लो एनीथिंग इज पॉसिबल. और मेरी साधना में और उसके बाद के वर्षों में मुझे ये दिखा कि दिस इज द लैक. भारत में अगर कुछ मिसिंग है तो सिर्फ यही. पहला फोकस. हम लोगों के पास फोकस नहीं है. और दूसरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग. हर दूसरा व्यक्ति जो भारत के बारे में बात करता है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करता है. वो ट्रैफिक से लेके मौसम तक वो क्राइम रेट से लेकर पॉल्यूशन तक वो कुछ भी बात हो सकती है. बट ऑल ऑफ अस व्यू दिस कंट्री एज नॉट अ ग्रेट नेशन विच डाइल्यूट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट यू हैव फॉर योर ओन मातृभूमि. और हमने भूमि को मातृभूमि बोला जननी माता बोला उसको. दूसरी चीज जो मुझे बहुत अद्भुत लगी भारतीय में वो शायद आपको भी नहीं पता. I'll share what I see from this side into Bharatiya. Unknowingly or knowingly, I do not know, you've started working on Panchabhuta, five elements. I do not know if you recognize that or not. Hindustan ka pura adhyatma, pura wisdom is based on Panchabhuta. It is not based on Krishna or Ram or anybody. First, it was based on Panchabhuta. Aaj bhi kisi bhi cheez se pehle hum Panchabhuta ki aradhana karte hain. What you call Vastu, वर्ड वास्तु. हम बिल्डिंग बनाते हैं वास्तु का ध्यान रखते हैं. वट इज वास्तु? अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द पंचभूतास. यू वर्किंग ऑन वॉटर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पंचभूता. यू वर्किंग ऑन एयर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पंचभूता. आपको पता नहीं चला कि आपने सृष्टि में क्या योगदान शुरू कर दिया. और अगर पंचभूत को हम बैलेंस नहीं करें ह्यूमैनिटी हैज नो फ्यूचर. I do not know if you follow anything about, let's say, Ayurveda. अगर आप अपने शरीर के विज्ञानों को थोड़ा भी follow करते हैं, any problem that you get in your body is basically a disbalance of your panchabhuta. आपको खाना खाने के बाद गैस बहुत होती है. Issue with the vayu element, panchabhuta. आप कम खाते हैं फिर भी weight gain करते हैं, मोटे हो जाते हैं. Issue with water element, panchabhuta. आप खाना खाते हैं digest नहीं होता. इश्यू विद फायर एलिमेंट, पंचभूता. आपके माइंड में थॉट्स हमेशा चलते रहते निरंतर एंड यू गेट स्ट्रेस्ड एंड हेडेक हो जाता है. इश्यू विद स्पेस एलिमेंट, यू डू नॉट हैव स्पेस इन द माइंड, पंचभूता. आपका शरीर थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है आपको. इश्यू विद अर्थ एलिमेंट, यू नॉट क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक एलिमेंट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन विद द अर्थ. यू नॉट वॉकिंग बेयर फुट, यू नॉट टचिंग द ग्राउंड. Issue with the earth element, panchabhuta. Do you know the water component in your body? Anybody? What is the water component in human body? 70%. What is the water component on earth? 70%. What is the composition of water in your body? कॉम्पोजिशन मतलब सॉल्टी है, मीठा है, कैसा होता है आपका पानी शरीर के भीतर का? सॉल्टी. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द 70% वाटर ऑन अर्थ? सॉल्टी. डू यू सी सम कनेक्शन है? दिस इज इंडियाज विजडम दैट यू आर नथिंग बट अ पीस ऑफ दिस कॉस्मॉस. आप जिस चीज को अलग मानते हो आपसे, आप इस पृथ्वी पानी को अलग मानते हो अपने से, but actually that is what you are. Research hui videsh mein aur unhone ye na ye pata kiya us research mein ji ki full moon ke dauran aam tar logon mein neurotic attacks hote hain. Agar kinhi logon ko mansik takleef hai kisi bhi tarah ki, full moon ke dauran wo badh jati hai. So in the mental patients, full moon is a very dangerous time.
They didn't know what's going on. और हिंदुस्तान में ये विज्ञान 10,000 साल पुराना से हम जानते हैं, क्योंकि मून हैज अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन वाटर, तभी वो हाई टाइड और लो टाइड आता है समुद्र में. सिमिलरली मून हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर ओन इंटरनल वाटर, तो फुल मून के दौरान योर इंटरनल वाटर ऑल्सो गेट्स पुल्ड अप. सो यू आर एक्चुअली अ मिनी अर्थ. डू यू सी दैट? जिस तरह से अर्थ बिहेव कर रही है उसी तरह से आपका खुद का शरीर भी बिहेव कर रहा है. बिकॉज ये अर्थ भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी है, आपका शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है. बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द 5 एलिमेंट्स पंचभूत. हेंस आई एम ग्लैड कि भारतीय एनवायरमेंट को आपने सोचा, बट एक्चुअली पंचभूतों पर आपने काम शुरू कर दिया. एंड दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टुडे. बिकॉज जितना ये पंच तत्व आपके शरीर में आउट ऑफ बैलेंस होते हैं उतना आप बीमार होते हो, जितना ये पंच तत्व पृथ्वी पे आउट ऑफ बैलेंस होते हैं उतना पृथ्वी पे समस्याएं ज्यादा आने लगती हैं. कोविड इज वन एग्जांपल ऑफ दैट. इफ यू डू लिटिल बिट मोर रिसर्च वी कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन कोविड एंड द डिसबैलेंस ऑफ पंचभूताज ऑन अर्थ. आई होप समबडी इज डूइंग दैट रिसर्च. बट इनवर्डली आई नो दिस इज द रिलेशनशिप. सो आई एम वेरी ग्लैड that Bhartyam is working on that. This is probably the most essential work today of the Panchabhuta. Are we together? Okay. We're talking about nature, so thoda sa ispe baat karte hain. Mera koi aaj agenda aapke saath spiritual gyan share karne ka nahi hai, kyunki wo to hum sabke paas hai. Mera kuch agenda पृथ्वी से जुड़ा हुआ ज्ञान शेयर करने का है आपके साथ. दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कैन यू नेम एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज व्हिच हैज नॉट कम आउट ऑफ नेचर? एनीथिंग. सॉक्स, जूता, कपड़ा, घड़ी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एनीथिंग. डू यू यूज एनीथिंग दैट हैज नॉट कम आउट ऑफ नेचर? कैन यू नेम एनी वन प्रोडक्ट? सोचिए, जिसको आप सिंथेटिक बोलते हैं, इंक्लूडिंग दैट, इज देयर एनीथिंग विच डज नॉट कम आउट ऑफ नेचर? डू यू सी द रोल ऑफ नेचर इन योर लाइफ देन? कपड़ा, घड़ी, फोन, ग्लास, माइक, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एब्सोल्यूट एवरीथिंग. ये बिजली जो अभी हम यूज कर रहे हैं, एनीथिंग, ये सब नेचर से आया हमें. और हम नेचर को क्या दे रहे हैं? Question mark. We do not know. Or we do not giving anything back to nature. Balance is out. Okay. Another way to look at it. क्या आप किसी भी वस्तु का डिजाइन इमेजिन कर सकते हैं जिसका इंस्पिरेशन नेचर से नहीं आया? All your buildings, where is the design coming from? Architecture का डिजाइन कहां से आया? Primary design of the architecture कहां से आया? पेड़ों से. पेड़ों को देख के इंसान ने अंदाजा लगाया कि ऐसे बिल्डिंग को खड़ा किया जा सकता है अगर उसकी जड़ों को मजबूत किया जाए तो. यहां कोई डिजाइन नहीं है किसी वस्तु का जो कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड नहीं. ओके, अनदर वे टू लुक एट इट. सॉरी, ऑल कलर्स. यू कैन नॉट मेक एनी कलर विच डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ओके, मोहब्बत की बात करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा रस लाते हैं इसमें. हैव यू ऑल एवर loved somebody in our lives? Romantic love I'm talking about. If किसी ने ऐसा है जिसने प्रेम अनुभव ना किया हो जीवन में? Okay, great. So everybody has done that. तो जब हमने प्रेम अनुभव किया तो हमने कुछ गाने गाए होंगे, कविताएं सुनी होंगी या सुनाई होंगी, copied ही सही. Where does the inspiration of that comes from? When a poet writes a love song, उसका inspiration कहाँ से आता है? चांद से, रात से, ये हवा, ये रात, ये चांद, तेरी जुस्तजू की एक बात है, ऐसे कुछ शेर लिखे लोगों, अगेन नेचर. सो वी कैनॉट इवन लव और एक्सप्रेस लव इफ यू डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. तो हमारी मोहब्बत भी नेचर पे डिपेंडेंट है. बट आर वी टेकिंग इट टू ग्रांटेड और आर वी नॉट? हम तो बहुत बिजनेस में व्यस्त हैं, जॉब में व्यस्त हैं, इस चीज में व्यस्त हैं, उस चीज में व्यस्त हैं. हम एक ऐसी इकोनॉमी चलाना चाहते हैं जो हमें एनुअल 8-9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे,
जबकि इकोनॉमिक वैल्यू का हर प्रोडक्ट नेचर से आता है और अर्थ तो लिमिटेड है, तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ 8-9% प्रति वर्ष संभव है? I'm asking, is it possible? It is not. That is the reason the current economy that we run is called the waste economy. हर एक ट्रकलोड गुड्स बनाने के पीछे 15 ट्रकलोड ऑफ वेस्टेज पैदा होता है. It's called a waste economy because it's not circular economy. Do you understand circular economy? अब आप याद करो अपने बचपन में जाओ. उस समय आपके घरों में क्या कल्चर था? सर्कुलर इकोनॉमी का था या वेस्ट इकोनॉमी का था? To give you an example, मेरे घर में जब मैं बच्चा था, मुझे कभी नया कपड़ा नहीं मिलता था. पिताजी की पैंट को छोटा करके मेरी पैंट बनती थी, उनका जूता मेरा बड़ा भाई पहनता था और उससे के बाद मैं पहनता था. कुछ वेस्ट नहीं होता था वहां पे. नथिंग वॉज वेस्टेड. इंडियन कल्चर वॉज बेस्ड ऑन सर्कुलर इकोनॉमी. But today we buy things and throw them off. Why is happening? ये सब क्यों हो रहा है? Greed. Greed, Srinivas says. What else? Why is it happening like that? Anybody? Lack of awareness. Let's call it lack of sensitivity. Over ambition. Excellent. Sure. Sorry? Surplus money तो नहीं है एक्चुअली. Show off. Desires. आपने क्या बोला? Propagation of consumerism. शाबाश. Propagation of consumerism. Materialism. Individuality. क्या ये हिंदुस्तान का कल्चर था? शो ऑफ कंज्यूमरिज्म. ये कहाँ का कल्चर है? वेस्ट का. I'll give you a fantastic piece of information, जिसको अभी मैं back नहीं कर सकता research से. I put somebody to do that research. We know this pageants, beauty pageant होते हैं ना, Miss India, Miss Universe. ये कहाँ से शुरू हुआ? France. और उसके बाद US ने take over किया. और ये क्यों शुरू हुआ? Because the cosmetic companies want to sell their cosmetics. Excellent. और अब हर साल हिंदुस्तान की कोई स्त्री क्यों विश्व विजेता बनती है? India is a large market. Not because they are really beautiful in the world. Because India is an aspirational market. तो जब यहां एक विश्व सुंदरी बनाई जाती है, वो एक aspiration जगा रहे हैं स्त्रियों में. So that you start to buy more products. Who's bringing this in India? West. If you look at all those brands, they are not Indian brands. Because ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है. ये भारत, ये भारतीय का कल्चर नहीं था, नहीं है. हमारा कल्चर तो शुरू से सर्कुलर इकोनॉमी था. Why we are losing this? They were beauty products, but they were all natural. हल्दी था, चंदन था, मुल्तानी मिट्टी थी, दही से बाल धोए जाते थे. We know all of that. ये हमारे बचपन के अनुभव है. ये कुछ हमें 4 generation पीछे नहीं जाना पड़ेगा. Why we are losing this? क्योंकि किसी ने बाहर से आके हमें विश्वास दिला दिया कि तुम लोअर हो और हम सुपीरियर हैं, और हम जो कहेंगे वो सुपीरियर है, हम जो करते हैं वो सुपीरियर है, और हमने वो मानना शुरू कर दिया. और उसको मानने से जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें अपने कल्चर के प्रति खुद होनी चाहिए, वी लॉस्ट दैट एंड वी आर कंटिन्यूअसली लूजिंग दैट. Do you really have sense of belonging for this country where, which I call your Matribhumi? Do you have that? I'm asking a hard question. Don't answer me, think for yourself. Let's look at it differently. Har desh ka ek brand identity hota, right? So let's say, Israel ka brand identity kya hai? Technology, security. Security and military security. That's a brand value or brand, kya bolenge isko? ब्रांड इक्विटी ऑफ इज़राइल. ओके, अमेरिका की ब्रांड इक्विटी क्या है? स्ट्रेटजी. दे स्ट्रेटेजिक पीपल, दैट्स देयर ब्रांड वैल्यू. तभी वो कभी नेटो फॉर्म करते हैं, कभी कुछ फॉर्म करते हैं. बट आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस आर नथिंग अगेंस्ट एनी कंट्री बाय द वर्ल्ड. आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू थॉट्स. व्हाट इज इंडियाज ब्रांड इक्विटी? He says yoga and Ayurveda. What else? Spirituality. What else? Vedas. What else?
Dharma. Karma. Karma. IT companies. IT companies. Is that so? I'm asking. Is really, kya Bharat ki brand equity IT companies rahi hai hamesha se? Brand equity banti hai ek nation ki. सैकड़ों हजारों सालों की सिविलाइजेशन के बाद और भारत की सिविलाइजेशन को अगर आप देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑन अर्थ, लिविंग कॉन्टिन्यूस. ऑफकोर्स देयर वाज अ सिविलाइजेशन मच ओल्डर, एस्टेक्स थे, मायांस थे, रोमन एम्पायर था, बेबुलोनियन, देयर ऑल गॉन. We are the only longest living civilization in this earth, on this earth. तो हमारा brand identity तो शुरू से wisdom रहा है. You know about Takshila and Nalanda, right? I'm sure you know that. कितने देशों से बच्चे पढ़ने आते थे नालंदा में? Do you know that? Across the world, far east. When was Nalanda? We're talking about 1200 years ago. 1200 साल पहले जब आधा यूरोप पाषाण युग में था, पाषाण युग को समझते हैं, स्टोन एज, डार्क एज में था, हेयर यू हैड अ यूनिवर्सिटी वे पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर कमिंग टू स्टडी. दिस वाज अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी विद द हाईएस्ट स्टूडेंट टू टीचर रेशियो. हर 8 या 7 विद्यार्थियों पे एक टीचर हुआ करता था, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. सो भारत का brand value, brand equity has always been wisdom. Are we still running with that? Or are we changing the rules of the game? IT. IT is good. IT is really good. But not the brand identity of this country. And it's also an extension of wisdom. It's an extension of wisdom. Dusra, why I'm saying ki Bharat ka brand equity hamesha se wisdom raha hai? यहां जब मैथ्स गणित का आविष्कार हुआ यहां पे, तो वो किसने किया? आर्यभट्ट. कौन थे? साइंटिस्ट या ऋषि? ऋषि. यहां सबसे पहले कैटरेक्ट ऑपरेशन किसने किया? चरका. वो डॉक्टर थे या ऋषि? ऋषि. आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहां आध्यात्मिक ज्ञान से सारी साइंसेस फ्लो हुई. एवरी साइंस केम आउट ऑफ स्पिरिचुअल विजडम हियर. सो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. उस विजडम से सभी कुछ निकले, सारी धाराएं बही. आज भी यहां के पिलर्स में जम नहीं लगा मेटलर्जी. 3000 साल पहले की मेटलर्जी में जंग नहीं लगता यहां पे. जब विदेश को मेटल क्या होता है पता नहीं था, यहां पे मेटलर्जी इंडस्ट्री बन चुकी थी. वेयर डिड इट कम फ्रॉम? स्पिरिचुअल विजडम. आर वी टुगेदर सो फार? इज इट मेकिंग सेंस? बोरिंग लगे तो बताए, मैं एक जोक भी सुना सकता हूं साथ में. ओके. अब इसको हम थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लेके आते. स्पिरिचुअल विजडम का क्या मतलब होता है? अगर हम सबसे सिंपल डिफाइन कर सके कि भारत का सिविलाइजेशनल वैल्यू हमेशा से स्पिरिचुअल विजडम रहा है, इसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन करें, तो हमने बोला 4 फॉर्मूला ऑफ लाइफ. यू फॉलो द 4 फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ, देयर बी नो सफरिंग. जस्ट 4 फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ. व्हाट आर द 4 फॉर्मूलाज? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. इट्स कॉल्ड 4 पुरुषार्था मॉडल. आई एम गोइंग टू डू सम वर्क विद हार्वर्ड ऑल्सो. तो इसका एक मैं बहुत ही मॉडर्न एक वो बनाऊंगा मॉडल, और वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे. बट वो होगा यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. इस मॉडल का मतलब ये था, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, प्लीज गो एंड डू दैट. आपको पैसा कमाना है, नो प्रॉब्लम, अर्न एज मच मनी एज यू वॉन्ट. भारत का सिविलाइजेशन कभी भी पैसे के विरोध में नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज. वी सिर्फ पैसा कमाना है, कमा लो. यू वॉन्ट टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स ऑफ द सेंसेस, गो डू दैट.
आपको रात को सिंगल मॉल्ट पीना है, पीजिए आराम से, बिंदास पीजिए. वट एवर सेंशुअल प्लेजर्स यू वॉन्ट टू टेक, प्लीज टेक दैट. हमने तो यहाँ कौन सा बोला, काम सूत्र जैसा ग्रंथ भी बना दिया. सेंशुअल प्लेजर चाहिए ना, ये लो ग्रंथ है पूरा. सो दिस सिविलाइजेशन वॉज नेवर एंटी एनीथिंग ऑफ दैट, बट दिस सिविलाइजेशन सेड वन थिंग, मेक धर्म एज द आधार फॉर योर लाइफ, एंड देन ऑन दैट धर्म लेयर बिल्ड योर अर्थ. अर्थ मतलब मटीरियल वेल बींग. इस धर्म की लेयर के ऊपर आप जितना पैसा चाहो कमा लो, इस पैसे की लेयर के ऊपर आप जितना डिजायर फुलफिल करना चाहो कर लो, कॉल्ड कामा. एंड देन ऑल्सो रिमेंबर दिस बॉडी विल डाई एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मोक्ष. मृत्युर्मा अमृतम गम्या, मृत्यु से अमृत तक जाने का एक रास्ता है, दैट रास्ता इज कॉल्ड द पाथ ऑफ मोक्ष. दैट्स द फोर्थ. वी सेड फुलफिल ऑल ऑफ दिस देन कम टू द फोर्थ. What is happening in modern India today? Out of these four, fourth gear लगता ही नहीं. Fourth gear नहीं लगता श्रीनिवास सिंह. First वाला धर्म, धर्म के लिए. So when I was talking about the Western outlook, most of the Western countries, and I've travelled quite a bit in the world, and I've done a lot of spiritual work in Europe and other places. What I really understood and found, and I could be wrong, उनके पास सिविलाइजेशनल वैल्यू नहीं है जो जनरेशन से चली आ रही है. आपको आज भी आपकी दादी नानी का की कहानियां याद होंगी जो आपके भीतर मॉरालिटी जगा देती हैं, राइट? दे डोंट हैव दैट. दोज सोसाइटीज आर प्राइमरली फॉलोइंग अर्थ एंड कामा. दे गेव इट बैक टू अस. उन्होंने वही हमें दे दिया और हमने वही अपना लिया. So today's modern India is only following earth and karma without establishing the layer of dharma. When you do that, it's an absolute recipe for disaster. Ek kitab likhi, agar aap padhna chahe to aapko padhna chahiye. Us kitab ka naam hai Fatherless America. Majority of the new children who are getting born in America do not know who their father is. It's becoming a fatherless nation. And why they said father is important? Because wo value system wahan se pass on hota hai. Are we following the same trend? Are we also becoming a dharma-less society? Or shayad isi wajah se environment ki humne durgati kar di. Aap Delhi mein Yamuna mein na nahi sakte. It's impossible. You just cannot do that. Or it's a divine river. It's a divine river. If you ever go to Banaras, Ganga behti hai wahan se. Banaras mein agar aapko Ganga mein nahana hai to aapko do baar sochoge aap. Haan, Rishikesh mein Ganga mein naha sakte. But by the time this sacred river reaches Banaras, it's in a bad shape. You can't even take bath. Why? The civilizational values are getting lost. The dharma aadhar is getting lost. मैं बहुत सारे मित्रों से मिलता हूं जो आके मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, बिकॉज दे डू नॉट नो ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दैम? दे आर बिकमिंग अमेरिकन. आई मेट अ डियर फ्रेंड हु हैज अ वेरी लार्ज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कांट नेम. ही सेंट हिज सन अब्रॉड टू स्टडी एट स्टैनफोर्ड. द सन केम बैक फ्रॉम स्टैनफोर्ड. इन सज्जन ने अपना पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया था धर्म की लेयर पे. द सन केम एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग द एंटायर फैब्रिक बिकॉज ही वांटेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सन कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ बिकॉज ही इज बिकम अमेरिकन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डज दैट मेक सेंस? सो वी आर एट अ जंक्चर, आई कॉल इट द सिविलाइजेशनल क्राइसिस जंक्चर. विदेशों में घूमने के बाद मुझे ऐसा दिखा कि सिर्फ भारत में ही ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको फिर से जगा लें, बिकॉज और देशों के पास ये सिविलाइजेशनल वैल्यूज नहीं है. आज भी अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसी लोकेशंस पे जाते हो, यू सी अ लॉट ऑफ फॉरनर्स. व्हाई डू दे कम टू योर कंट्री? जस्ट बिकॉज इट इज चीप. व्हाई डू दे कम टू योर कंट्री?
In the entire world, anybody who wants to know the wisdom comes to India. And where do we go? Las Vegas, Stanford, vacation in Singapore and Dubai, no problem with that. No problem with that. Even for the studies, we are only. मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके बच्चों का सिर्फ और सिर्फ यही एम्बिशन है कि उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना. Second and third year they want to go. Second or third year. This is where we are, my friends. This is where our society, our civilization is at this point of time when we are talking. So spirituality is not about running to the mountains and meditating. Spirituality is what really Bharatiyam is doing. This is real Karma Yoga spirituality in action. उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपके भीतर एक GPS mechanism है, उसको पता है सत्य क्या है. If you listen to it, it points you in the right direction. Provided you listen to it. Yeah? So मैं इस बारे में बहुत सारी और बात कर सकता हूँ. But I don't want to make it boring for you. मेरे लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है because from where I'm seeing it, as I said, to me this is a civilizational issue. और ये सिर्फ भारत का issue नहीं है, world का issue है because as I said, भारत is the only country in the world which can change the course of humanity. No other country can do that. We have a lot of responsibility. So पहाड़ों से आने के बाद, मतलब आने के बाद, in the sense I'm still in the mountains, that's still the base. हमने कुछ कुछ काम शुरू किया इस तरफ to create that civilizational values back. Education में एक movement शुरू किया हमने, उसका नाम है बोधशाला. We are doing work at the youth level, undergraduate and postgraduate. That's a big movement which is running. It's becoming more established. हमने दूसरा initiative शुरू किया जो इससे बड़ा है, जिसका नाम है सोने की चिड़िया. हम कुछ ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए, शायद ये और चैनल्स पे भी आए, जो इन बातों के प्रति पूरे हिंदुस्तान को जगाने की कोशिश कर रहा है. और ये बहुत ही, वी ट्राइंग टू मेक इट इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल सो दैट पीपल रियली गेट इम्पैक्टेड बाय दैट.